नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बीपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया है। हमारे साथ इस वक्त, हमारे जो अलग खिड़की में आप देख रहे हैं, हमारे साइड वाली खिड़की में देख रहे हैं, ये अमन आनंद है। इनके चेहरे से देखकर आप पता होगा, आप जान गए होंगे कि बीपीएससी के टॉपर है, टॉप 1 रैंक लाने वाले बीपीएससी के टॉपर अमन आनंद हमारे साथ इस वक्त है। अमन जी, हमने आपसे पहले भी बात की है, मगर एक बार फिर से हम आपको पूछते हैं कि कैसा लग रहा है, एक टॉपर का टैग आपके ऊपर लग गया है? काफी अच्छा लग रहा है सर, काफी मतलब खुशी का माहौल है अभी, और रैंक वन आया, काफी अच्छा लगा। उम्मीद थी कभी कि भाई, आपने पहले भी एग्जाम दिया बीपीएससी का, फिर इस बार टॉप 1 पे आप आ गए? सर उम्मीद टॉप 1 की तो नहीं थी, लेकिन ये जरूर था कि मतलब टॉप 50 के अंदर, टॉप 30 के अंदर कोई कोई रैंक आ जानी चाहिए। पिछली बार जब आपने एग्जाम दिया था तो कितना रैंक आया था आपको? पिछली बार रैंक 52 आया, 52 रैंक आई थी, और इस बार टॉप 1 पे आपने झंडा गाड़ दिया। जी 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 आपके पिता टीचर है दिल्ली गवर्नमेंट में? जी 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 तो आपके फैमिली वहीं रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, और आप यहाँ बिहार में? जी जी फैमिली फैमिली दिल्ली में रहती है, हम रहते हैं बिहार में। यहाँ आपकी, सुनने में आया कि आपकी ट्रेनिंग भी चल रही थी, आप जॉब भी कर रहे थे? जी जी अभी हम आरडीओ के पद पे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं मधुबनी में ही। अच्छा, मधुबनी में आपकी ट्रेनिंग चल रही है। तो दोनों काम कैसे पॉसिबल हुआ आपके लिए, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज था, आप एग्जाम भी दे रहे थे, आप पढ़ाई भी कर रहे थे घंटों, और फिर उसके बावजूद आपका ये ट्रेनिंग, तो आखिर कैसे दोनों को मैनेज किया? टाइम मैनेजमेंट सर करना, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का सर इसमें इशू आता है, लेकिन ये है कि अगर जो भी समय मिलता है, अगर 3 घंटे 4 घंटे जो भी समय मिलता है, आप उन 4 घंटों 3 घंटे में ही आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी पहले की पढ़ाई की हुई थी तो पहले का था कि हाँ नहीं, अरे जितना पढ़ाई था लगभग हो गया है, बस उसको रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन करना था, तो वही इसी में इस टाइम में हो गया था, मतलब टाइम मैनेजमेंट से थोड़ा हो गया था अच्छे से। कोई क्लास वगैरह आपने लिया या फिर खुद सेल्फ स्टडी से? नहीं सर, सब कुछ सर सेल्फ स्टडी का ही था, कभी कोई क्लास या कोई कोचिंग कभी कभी हेल्प जरूरत नहीं पड़ी। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपने कॉल करके किसको बताया था? सर पिताजी को फोन किया सर सबसे पहले हमने, उसके बाद माताजी को फोन किया। जी, तो मम्मी जी पापा का रिएक्शन उस वक्त क्या था? सर काफी खुश थे वो लोग सर, काफी इमोशनल मोमेंट था, एंड काफी खुश हैं वो लोग अभी, अच्छा लग अभी रहा भी है खुश? कि जी 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 तो काफी। आगे कौन सा पोस्ट आपका मन पसंदीदा होगा जो आप लेना चाहें? सर बिहार प्रशासनिक सेवा का पोस्ट मिला है, जी इसमें जो भी पोस्ट मिलेगा उसमें अच्छे से पूरा इंटीग्रिटी से काम करने का प्रयास किया जाए करेंगे, यही मेन उद्देश्य है। तो कोई जिला भी आपका पसंदीदा होगा कि इस जिले में रह के काम करना है, ऐसा कोई? नहीं सर, जिला सर कोई भी जिला मिले सर, कहीं भी पोस्टिंग मिले, हम वहाँ नौकरी करने को तैयार हैं, वहाँ सेवा करने को तैयार हैं। कोचिंग आपने नहीं ली, सेल्फ स्टडी आपने किया, तो आने वाले जो लोग हैं जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिएगा, किस तरीके से वो तैयारी करें और किस तरीके से वो झंडा गाड़ सकते हैं? सर तैयारी करने के लिए सर मेन यही है कि आप हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ तैयारी करते रहना है पूरा, कहीं उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। जो भी सिलेबस है, जो भी उसका सिलेबस है, उसको अच्छे से एनालाइज करके, प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालाइज करके, फिर इसी इसी तरह से जो भी एग्ज़ाम का डिमांड है उसके हिसाब से पढ़ाई करके आप कर सकते हैं सर। कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट होता है, वो अगर कड़ी मेहनत करे तो वो जरूर सफलता उसको मिलती है। इंटरव्यू आपका हुआ होगा, आप साक्षात हुए होंगे, किस तरीके से वो आपका वो जो पार्ट था वो कैसा था आपका? सर इस बार इंटरव्यू से काफ़ी अच्छा हुआ था, मतलब इस बार इंटरव्यू हमारा 19 को था, तो इंटरव्यू के पहले इंटरव्यू काफ़ी लेट हुआ था हमारा, हम लास्ट कैंडिडेट थे अपने अपने ग्रुप में, तो काफ़ी मतलब इंटरव्यू में जो लगभग जो तैयारी करके गए थे और जो बैकग्राउंड था पहले का, उस बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे, तो और उसको अच्छे से जस्टिफाई कर पाए थे हम, तो आई थिंक इंटरव्यू काफ़ी सही रहा था, इसी बदौलत जो रैंक आया है, आई थिंक उस काफ़ी रोल है इंटरव्यू का इसमें। अब तो आपकी शादी की बात भी उठने लगी है, कल आपके पापा से भी लाइव सिटीज ने बात किया था दिल्ली में, तो क्या है अब आगे का प्लान, क्या है आपका? अभी सर वो सब चीज़ के बारे में सर कोई प्लान नहीं है अभी सर आगे, और सर अभी जो भी काम मिलेगा उसको अच्छे से करेंगे, बाकी आगे भी और बढ़ने का प्रयास करेंगे अगर मौका मिलता है तो। यूपीएससी भी सुन रहे हैं कि यूपीएससी की तरफ भी आप अपने कदम को बढ़ाने वाले हैं? सर कोशिश पूरी करेंगे सर, अगर वहाँ सफलता मिलने मिला मिले तो काफ़ी अच्छा, और अच्छा होगा अगर अपनी पूरी कोशिश लगाएंगे उसमें।
आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ? सारा चीज दिल्ली से हुआ? जी सर, स्कूलिंग भी दिल्ली से हुआ है सर, कॉलेज भी दिल्ली से हुआ है। किस उसके कॉलेज से बाद आपने से जब ग्रेजुएशन तैयारी, किया? जी सर, तैयारी के बाद से जब फिर बिहार आए हैं, जब यहाँ जॉब लगा बीपीएससी में, उसके बाद फिर बिहार आना हुआ है। जन्म स्थान मेरा बिहार है सर, जन्म, हाँ जी, आपका बॉर्न प्लेस यही है बिहार? बार जी सर, जन्म स्थान मेरा बाढ़ है। फिर कुछ समय के बाद जब पिताजी का वहाँ पर पोस्टिंग हुआ था, तो उसके बाद फिर हम वहाँ गए थे। तो गांव में भी यहाँ बाढ़ में आपके जो भी जानने वाले हैं, परिवार वाले हैं, जो भी आपके लोग हैं, वो तो काफी खुश होंगे। गांव में माहौल जी एक हो गया जी होगा। काफी काफी खुश हैं सब लोग, सबका बड़ों का आशीर्वाद था, सब बड़ों का आशीर्वाद था, इसी वजह से आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। काफी अच्छा, अभी खुशनुमा माहौल है सब जगह। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमन हमारे साथ, अमन थे जिन्होंने टॉप किया है बीपीएससी में। किस तरीके से इन्होंने तैयारी की है, किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल किया है, आपने पहले भी देखा है, मगर एक बार फिर से हमने चाहा कि इनको सामने लाया जाए, कैमरे के सामने इनसे, इनकी मुख जुबानी से सुना जाए कि आखिर किस तरीके से इन्होंने झंडा गाड़ा। बहरहाल, इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव चीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइव चीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।